कलम श्रृंखला के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मैं सबसे अनुरोध करूंगी, अपने मोबाइल फोन कृपया आप साइलेंट मोड पर कर दें। जोधपुर के साहित्य जगत में अपनी पहचान बना चुके प्रयास कलम को प्रस्तुत कर रही हैं एहसास विमेन ऑफ जोधपुर, शैलजा सिंह, प्रीति मेहता और मैं सुषमा नीरज सेठिया। कलम हिंदी लेखकों की रचना और कलाकृतियों से प्रेरित करने का के लिए एक साहित्यिक मंच है। कलम सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रभा खैतान फाउंडेशन के ट्रस्टी संदीप भूतोड़िया की पहल है। प्रभा खैतान फाउंडेशन भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने सहित विभिन्न सामाजिक कल्याण गतिविधियों से जुड़ा है। वो चांद है तो अक्स भी पानी में आएगा, किरदार खुद उभर के कहानी में आएगा। आज कलम के जरिए हम आपके समक्ष ला रहे हैं हिंदी व उर्दू के जाने माने कवि और बॉलीवुड गीतों के सुल्तान डॉक्टर इरशाद कामिल। जब भी बात होती है गीत के जरिए जज्बातों को छूने की, तो ये गीतकार डॉक्टर इरशाद कामिल से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अच्छे गीत वास्तव में हर एहसास महसूस कराने के लिए काफ़ी हैं। जब वे लिखते हैं तो पीढ़ियों के अंतराल की सीमाओं को तोड़ते हैं और शब्दों से परे सोचने के लिए मजबूर करते हैं। उनका सभी विधाओं पर कमांड और लेखन में सादगी होने के कारण उनका वर्ड प्ले आसानी से जीवन, फिलॉसफी, रोमांस, देशभक्ति और सूफीवाद के क्षेत्र की यात्रा करता है। 3 फिल्मफेयर जीतने के अलावा उन्हें स्क्रीन, आईफा, जी सिने, अप्सरा, GIMA, मिर्ची म्यूजिक, बिग एंटरटेनमेंट और ग्लोबल इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने भारत के पहले पोएट्री बैंड की शुरुआत की है जो इंक बैंड के नाम से मशहूर है। हिंदी कविता में PhD इरशाद कामिल जी की हाल ही में 4th किताब प्रकाशित हुई है, काली औरत का ख्वाब। आपने कई सुपरहिट गाने दिए हैं जैसे जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, भागे रे मन कहीं, कुन फयकुन, साडा हक एथेरक। गीतों की लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन और समय ना लेते हुए आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर इरशाद कामिल जी का। आपसे चर्चा करेंगी हमारी अपनी शैलजा सिंह। थैंक यू सुषमा। नमस्कार इरशाद जी, इस सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे साथ हैं श्री इरशाद कामिल, जो मिसाल हैं कि कैसे अल्फाजों को एहसासों में पिरोकर जादू किया जाता है। वो जादू जो लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, खास तौर पर युवा वर्ग के, जिनमें से बहुतों ने आपके गीतों की पंक्तियों को अपना स्टेटस बना लिया है। तो ये तो थी आपकी पॉपुलैरिटी की बात एक गीतकार के रूप में, पर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इरशाद कामिल क्या हैं, कैसे इंसान हैं और क्यों उनके गीतों में लोगों को सौंधी खुशबू, ताजगी, सच्चाई और अपनेपन का एहसास होता है। आप सभी जोधपुर के ज़हीन लोगों को मेरा सलाम, मेरा आदाब, नमस्कार। मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। एक शहर में कुछ 20-50 ही ज़हीन लोग होते हैं ऐसा मुझे लगता है, और वो 20-50 ज़हीन लोग कलम के ज़रिए यहाँ पहुँच जाते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। जैसा कि सवाल हुआ कि इरशाद क्या है, अगर मैं बहुत प्रिसाइजली कहूँ, इरशाद पैशन, अग्रेशन और एक्सप्रेशन से भरा हुआ दिल है, और इसके अलावा
इरशाद कुछ नहीं है, इरशाद जिंदगी को उस तरह से नहीं देखता जिस तरह से जिंदगी आम तौर पे दिखाई देती है। वो उस तरह से देखना चाहता है जिस तरह से अमूमन दिखाई नहीं देती। वो कौन सा दृष्टिकोण है, वो कौन सा नज़रिया है, वो कौन सा तरीका है जिसके जिसकी वजह से मायने और हो जाएं मेरे लिए ज़िंदगी के, वो पैशन और हो जाए, वो अग्रेशन और हो जाए और उसी वजह से मेरा एक्सप्रेशन और हो जाए। तो आप ही का कि कुछ पंक्तियाँ जो है देखा वही देखा तो क्या देखा है जी, देखो वो जो औरों ने न कभी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो औरों ने नहीं देखा बेसिकली वो आपका एहसास होता है, आपके अंदर की बात होती है, आपका नज़रिया होता है, आपका चीज़ों को पसंद करने का एक एक आपका मन होता है और उनको फिर उस तरह से एक्सप्रेस करने का आपका एक तरीका होता है। मैंने अपने एक्सप्रेशन में, अपने गीतों में और अपनी ज़िंदगी में पहली बात डर के कुछ नहीं किया, दूसरी बात अपनी समझ से किसी दूसरे की समझ को नहीं नापा। मुझे हमेशा लगा है कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा ज़हीन है, मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है। उसको अब हम अक्सर ये कंप्लेंट करते हुए पाते हैं आज के पेरेंट्स को, आई एम वेरी सॉरी अगर मैं पेरेंट्स को ऑफेंड कर रहा हूँ, पर मैं अपने नौजवान दोस्तों को अपने साथ ले रहा हूँ ये बात कह के, अपने हक में कर रहा हूँ कि अरे भाई तुम्हें तो अकल ही नहीं है, तुमने ज़िंदगी देखी कहाँ है अभी। आप यकीन मानिए मुझे लगता है जो आज का यूथ है उसने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी देख ली है। उसको हम जब हम उनके पेरेंट्स मतलब उस ज़माने में थे तो वो शायद उतने ज़हीन उतने अक्लमंद नहीं थे। अब उनकी वो कहते हैं ना कि उन्होंने दुनिया मुट्ठी में की हुई है, सब कुछ उनको पता है, सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, सब कुछ उनको जानकारी है, हर एक तरह का संगीत उनको पता है, हर एक तरह का एक्सप्रेशन उनको पता है, हर एक तरह का फैशन उनको पता है। तो वो मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि अगर उनको मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे लगता है एक बड़े तबके को मेरी बात समझ में आ रही है। भले वो बेख्याली हो, भले वो रॉकस्टार के गाने हो, भले वो जब वी मेट के गाने हो, भले वो लव आजकल के गाने हो, भले वो दिल दियां गल्ला हो, भले वो हवाएं हो, जो भी गाना मैं लिखता हूँ उसमें क्योंकि पोइट्री का थोड़ा बहुत एक एक पुट रहता है, आटे में नमक बराबर जिसे कहते हैं, एक स्वाद के लिए मैं साहित्य डालता हूँ, तो उस साहित्य में उस साहित्य को ये आज की जनरेशन बड़े अच्छे से समझ लेती है। आपके गीतों में पंजाबियत है जी। हिंदी और उर्दू का भी बेहतरीन समन्वय है जो अन्य गीतकारों में देखने को नहीं मिलता और शायद इसी वजह से आपको उनसे अलहदा करता है, इसकी क्या वजह है? एक पंजाबी में शेर है कि जिसका मैं हिंदी में तर्जुमा करूं तो इस तरह से होगा कुछ कि किसको मैं अपना कहूं किसको कहूं बेगाना, किसको मैं अपना कहूं किसको कहूं बेगाना, उर्दू अगर है माँ मेरी पंजाबी मेरी महबूब है। तो वो पंजाबी जो है वो माशूका की तरह है और माशूका की तरह से इसलिए है क्योंकि वो वहाँ की मिट्टी में मैंने जन्म लिया है, वो मेरे साथ पली बड़ी है, मेरे साथ मैंने उसको अपने साथ खेला हूँ, मैं उसके साथ उसको अपने साथ खिलाया है, मोहल्ले में दोस्तों के साथ उसी जबान में बात की है और उर्दू मेरे घर की जबान कह लीजिए, मेरे अगर जबान से हालांकि मज़हब को नहीं बांधना चाहिए पर फिर भी अगर ये गलती मैं कर दूं तो कह लीजिए वो मेरा एक इरशाद होने के नाते तो उर्दू के साथ मेरा ताल्लुक़ है और उर्दू मैंने पढ़ा भी हुआ है और हिंदी में मैंने पीएचडी की हुई है। तो ये
मिला जुला सा रूप जो है हिंदी का, उर्दू का और पंजाबी का। और इसके अलावा आप, आज के ज़माना ऐसा है, आज की माहौल ऐसा है कि आप बिना अंग्रेज़ी बोले साबित नहीं कर सकते कि आप पढ़े लिखे हैं, तो कभी कभी अंग्रेज़ी भी बोलनी पड़ जाती है मुझे तो वो सब कुछ मिला के इरशाद कामिल की लैंग्वेज बनती है। और आपने सही कहा, ये जिस तरह का किरदार होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, जब वी मेट में जो पंजाब का माहौल था, बैकग्राउंड पंजाब की थी, तो इसलिए वहाँ पे मौजा ही माजा गाना खप गया। अगर वो कहीं और होता, अगर किसी और, मान लीजिए वही कहानी बंगाल में सेट होती, तब वहाँ पे मौजा ही मौजा गाना नहीं आना था, तब वहाँ पे शायद कोई और गाना आता। और ये जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, वो कहीं हरियाणा की मिट्टी से निकली हुई बात है उस तरह से। तो ज़बान का अगर आपको पता हो, ज़बान का अगर आपको थोड़ा सा भी एक थोड़ी नॉलेज हो, तो चीज़ें एक्सप्रेस करना आसान हो जाता है। लिखने के लिए सबसे पहली शर्त जो है वो किसी एक ज़बान का आना है, किसी एक भाषा का आना है। आपका एक्सप्रेशन तभी बन पाएगा जब आपको किसी भाषा का पूरी तरह से ज्ञान होगा, आप अपनी भावनाओं को उस भाषा में व्यक्त कर पाएंगे। शाख से टूटे दो पत्तों को मौज की मर्जी बहने दो, शाख से टूटे दो पत्तों को मौज की मर्जी बहने दो, दुनियादारी रहने दो। हाथ मिले तो दो हाथों की चंद लकीरें मिलने दो, हाथ मिले तो दो हाथों की चंद लकीरें मिलने दो, हाथ से वक्त फिसलने दो। बिन पंखों का एक परिंदा दुनिया जिसको दिल कहती, बिन पंखों का एक परिंदा दुनिया जिसको दिल कहती, तेरी पाक हंसी की आहट सुनकर ये उड़ जाता है अब सीने की मुंडेरों से, दर्द के सारे घेरों से। दिल शायद खामोश झील है, दिल शायद खामोश झील है, जिसमें गिरती नरम बौछारें तेरी रेशम बातों की, लफ्जों की, सौगातों की। तू होठों की सलवट जैसा या हाथों की रेखा सा, तू होठों की सलवट जैसा या हाथों की रेखा सा, देख के भी अनदेखा सा। पोशीदा है पाक मोहब्बत, तेरे बिन है खाक मोहब्बत, तेरी हसरत जंगल जितनी, मेरी है एक शाख मोहब्बत। तो बात कहां से कहां मैं चली गई, बात यह थी कि एक्सप्रेशन जब तक जबान पे आपकी, दिन बिन पंखों का एक परिंदा दुनिया जिसको दिल कहती, तेरी पाक हंसी की आहट सुनकर ये उड़ जाता है। अब ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन तब तक आपका मजबूत नहीं होगा जब तक जबान पे आपकी कमांड नहीं होगी, जब तक आप, हालांकि मेरी भी कमांड नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा था कि जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करें अल्फाज मेरे रॉकस्टार में। ये तीनों भाषाएं जो हैं, उर्दू, हिंदी और पंजाबी, इस पे आपकी मजबूत पकड़ है, तो क्या आपको लगता है कि इस बेजोड़ एमालगमेशन की वजह से आपको बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अन्य गीतकारों के कंपेरिजन में एक अलग मुकाम मिला है? देखिए, एक बड़ा पुराना शेर है कि गज़ल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफ़ी, गज़ल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। सिर्फ भाषा ही मुझे अलग नहीं करती, मुझे मेरे एहसास भी अलग करते हैं, मुझे मेरी वो फीलिंग भी अलग करती हैं, जिस तरह से मैं कोई बात एक्सप्रेस करता हूँ, कोई बात कहना चाहता हूँ। जैसे हाल फिलहाल में कबीर सिंह का बेख्याली गाना बहुत बहुत ही पसंद किया जा रहा है, बहुत
मकबूल है, तो उसमें जो कुछ लिखा गया है, आजमाने आजमाले रूठता नहीं। अब ये लफ्ज देखिए जो अभी इन्होंने कहा था सुषमा जी ने, वर्ड प्ले की बात, लफ्जों का खेल क्या होता है। पहले दो लफ्ज पे गौर कीजिए, आ जमाने आज माले, इसे वर्ड प्ले कहते हैं कि आपने उसी लगभग साउंड के वैसे ही वर्ड चूज किए लेकिन डिफरेंट एक्सप्रेशन दिया आपने चीजों को। आ जमाने आज माले रूठता नहीं, फासलों से हौसला ये टूटता नहीं, ना है वो बेवफा और ना मैं हूं बेवफा, वो मेरी आदतों की तरह छूटता नहीं। तो ये सिर्फ जबान नहीं है, सिर्फ हिंदी उर्दू या पंजाबी का मिश्रण नहीं है, ये सिर्फ अंकगणित नहीं है, ये दिल है, ये एहसास है, ये जज्बात हैं जो लोगों तक पहुंचते हैं और कनेक्ट करते हैं। आपको बचपन से लिखने का शौक रहा है और आपके निबंध जो हैं वो आपके टीचर्स द्वारा बड़े सराहे जाते थे, ऐसा हमने सुना है। तो पहली मर्तबा आपकी कविता या नज्म सुनकर किसने आपसे कहा कि आप बहुत अच्छा लिख लेते हैं, जिसने आपको हौसला दिया कि आप आगे भी लिखते रहें? सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इस वजह से क्योंकि इसका जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जवाब ये है कि मुझे क्यों लगा कि मुझे लिखना, मैं लिख सकता हूँ, मुझे लिखना चाहिए। अभी मैं बता रहा था कि लड़कों का स्कूल था हमारा, जब स्कूल में पढ़ते थे, मैट्रिक हुई तो प्लस वन के में हमारा वो कॉलेज में गए और वो कॉलेज कोएड था। और मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि वो स्कूल के 8-10 दोस्त थे, तो 8-10 के 8-10 दोस्तों को 3-3, 4-4 लड़कियों से सच्चा प्यार हो गया। अब 8-10 दोस्तों को 3-3, 4-4 लड़कियों से सच्चा प्यार हो गया, बिल्कुल पक्के वाला। तो सबने मुझे बोला कि यार तुम लिखो, लव लेटर लिख दो हमारे लिए, तुम्हारा एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। अब 8-10 लोगों के लिए हर हफ्ते मैं 4-4, 5-5 लव लेटर लिखता हूँ, फिर वो आके बोलते भी थे, नहीं नहीं वो अब कैंसिल है यार, उसने मना कर दिया, अब मैं किसी दूसरे को दूंगा, तू दोबारा से लिख दे। अब वही एक्सप्रेशन दोबारा से, अब फिर इम्प्रेस करना होता था, कोशिश भी ये होती थी कि यार मेरे भाई का काम बन जाए, कुछ तो बात हो मतलब। तो वो एक्सप्रेशन लाने के लिए, कुछ नई बात कहने के लिए, कुछ, जैसे मैं अक्सर ये बात बताता भी हूँ, उन दिनों बशीर बद्र साहब का एक शेर मैं बहुत यूज़ करता था कि सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं, सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा तुझे कागज वही हमने लिखा कुछ भी नहीं। तो ये मैं अक्सर, अब ये शेर भी मैंने अब कितनी बार इस शेर का भी इस्तेमाल करता कर करके वो बेचारा शेर ही मुझे कहने लगा कि अब तो छोड़ दे यार, बहुत बार लिखा गया हूँ मैं। तो उस इजाद में मैं, उस एक्सप्रेशन में मुझे कुछ और ढूंढने की कोशिश हुई, कुछ और किताबें, कुछ और पोइट्री, कुछ और एक्सप्रेशन। तो उस एक्सप्रेशन ने, उस ढूंढने, उस पोइट्री ने मुझे लगता है मुझे शायर बना दिया। और जब मेरे दोस्तों के काम बनने लगे तो मुझे लगा था मेरा तो एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है यार, मैं तो कुछ कर सकता हूँ पोइट्री में। तो ये एक एहसास धीरे धीरे होते होते होता है, क्योंकि अब किसी से अगर ये पूछा जाए, सचिन तेंदुलकर से पूछा जाए, तुम्हें कब लगा कि तुम क्रिकेटर बन सकते हो, एक्चुअली उसे भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता मुझे कब लगा मैं राइटर बन सकता हूँ। वो एक धीरे धीरे, एक परत दर परत एक चीज़ चढ़ती जाती है, या धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि मेरी कलम निखर रही है, वो कलम का बचपना ख़त्म हो रहा है, वो दिखावे की लिखाई जो होती है, जो आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए लिखते हो, वो चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं। मेरा कोई ओरिजिनल एक्सप्रेशन है जो लोगों के सामने आ रहा है, मैं एज ए
राइटर एक किरदार हूं, वो किरदार लोग पकड़ पा रहे हैं, उनको लगता है कि अच्छा मेरी लिखावट देख के लोगों को लगता है कि अच्छा ये इरशाद का लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरे लिखे हुए में कहीं ना कहीं कोई कुछ छिपा हुआ है, कोई बात छिपी हुई है, कोई चेहरा छिपा हुआ है, कोई किरदार छिपा हुआ है, कुछ ऐसा एहसास है जो उनको बता देता है। तो ये एक धीरे धीरे एहसास होता है, प्रोसेस है जो थोड़ा थोड़ा आपको यकीन दिलाता जाता है कि आप राइटर हो। कहते हैं हर शायर, लेखक या कवि को जी, लिखने के लिए किसी इंस्पिरेशन की जरूरत होती है जी जी, चाहे वो प्यार हो, दर्द हो, नाराजगी या अधूरेपन का एहसास। आपको क्या इंस्पायर करता है लिखने के लिए? राइटर क्यों होता है कोई आदमी, सवाल ये है। राइटर इसलिए होता, जो राइटर होता है, जो आर्टिस्ट होता है, उसको वो परफेक्शन के पीछे बहुत भागता है, उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। राइटर अपनी लिखतों में, अपनी राइटिंग्स में जो समाज में कहीं कुछ कम है, भले वो किसी रिश्ते में, भले वो किसी एहसास में, उसको पूरा करने की कोशिश करता है वो अपनी लिखतों में, एक कंप्लीट चीज बनाने की कोशिश करता है, मुकम्मल करने की कोशिश करता है। मैं रास्ता बन गया था तो ठहरा रहा वहीं पे, मैं रास्ता बन गया था तो ठहरा रहा वहीं पे, तेरे पांव बन गया हूं तो देख चल रहा हूं। ये रुकी हुई चीज में कुछ गति, कुछ बहाव वो चाहता है। तो वो बनाता, जो राइटर को राइटर बनाता है, वो इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन ये है कि मैं कुछ ऐसी एक परफेक्ट सी चीज बना दूं। जैसे मुझसे इसी सवाल को इस तरह से भी बहुत पूछा जाता है कि आप गाना कैसे लिखते हो, कि मेरा पिछला गाना मेरी इंस्पिरेशन है कि यार पिछले गाने में ना कुछ कम रह गया था, इस बार नहीं रहने दूंगा, और वो अगली बार फिर रह जाता है। मैं फिर उससे बेहतर लिखने की कोशिश करता हूं, वो फिर कुछ कम रह जाता है। आपको कई बार गाना लिखने के बाद एहसास होता है कि अरे यार इस एक्सप्रेशन को मैंने अगर ऐसे कर दिया होता तो ये बात और निखर के आ जाती। तो इसका मतलब ये एक प्रोसेस है अधूरेपन का और उसके मुकम्मल होने का। बिल्कुल, और जब तक सब पूरा होकर, ये एक बोलती जा रही है, मुझे शेर याद आते जा रहे हैं। आपने ये, मैंने शेर इस्तेमाल भी किया था सुल्तान फिल्म के एक गाने में। मैं शेर सुनाता हूँ फिर आपको गाना भी बताऊंगा वो कौन सा था। सब पूरा होकर खत्म हुआ, जो आधा है वो जिंदा है। जो पूरा हो जाता है उसको तो हम कहते हैं ना, वो तो पूरा हो गया, अब पूरा होके तो पूरा ही हो जाता है, वो तो कोई चाह नहीं रहती कुछ और करने की, मतलब कंप्लीट ही हो गई वो चीज, आप उसमें अब और कुछ आप नहीं कर सकते। सब पूरा होकर खत्म हुआ, जो आधा है वो जिंदा है, मेरा इश्क अधूरा होने पर ना नादिम ना शर्मिंदा है। तो जो अधूरी चीज रहती है उसमें कुछ और करने की, कुछ और बेहतर बनाने की, कुछ और कंट्रीब्यूट करने की एक थोड़ी सी जगह रहती है। ये सुल्तान फिल्म का बुलिया गाना था एक, उसमें ये मैंने इस्तेमाल किया था। शुरू में मैंने एक ये भी इस्तेमाल किया था कि कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक्सप्रेशन उस फिल्म के, पश्चिम एक्सप्रेस कोच नंबर AS3 सीट नंबर 64 मार्च 31 सन 2000, ये सुनकर ज़रूर कोई पुरानी याद ताज़ा हुई होगी। जी, 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 जी। ये आपका वो सफ़र था जिसके बाद आपने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, तो इस सफ़र तक आप कैसे पहुँचे? ये एक सोचा समझा फैसला था या महज एक इत्तफाक? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक कवि हुए हैं हिंदी के,
उन्होंने एक जगह लिखा है कि धीरे धीरे कुछ नहीं होता दोस्त, धीरे धीरे सिर्फ मौत होती है। कोई भी फैसला, अहम फैसला, धीरे धीरे नहीं लिया जा सकता। जिंदगी के अहम फैसले क्षण भर में ही लिए जाते हैं। जो आप सोच समझ के करते हैं वो फैसला नहीं होता, वो योजना होती है। सोच के साथ योजना बनती है, फैसला पल में ही होता है। और ये ऐसे उससे पहले के जो इन्होंने कहा, बिल्कुल सही बात, पश्चिम एक्सप्रेस AS3 कोच नंबर और 64 नंबर सीट, जो आधे सफर तक RAC थी, वो लेके मैं बॉम्बे पहुंचा था। और वो जो मेरे पास टिकट था वो मेरा अपना खरीदा हुआ नहीं था। मैं एक डायरेक्टर हुए हैं बहुत पुराने, अब नहीं रहे, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, लेख टंडन साहब, उन्होंने प्रोफेसर फिल्म बनाई थी, शमी कपूर वाली, लाल छड़ी मैदान खड़ी, और झुक गया आसमान बनाई थी उन्होंने पिक्चर। फिर उन्होंने काफ़ी सारे सीरियल्स भी बनाए थे। वो अपने सीरियल की शूट के लिए आए हुए थे चंडीगढ़, और मैं ताज़ा ताज़ा PhD करने के बाद जॉब ज्वाइन की थी मैंने एज ए जर्नलिस्ट। मुझे भेजा गया था उनका इंटरव्यू करने के लिए। मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए गया था, उनको उनके राइटर ने जो लिख के भेजना था स्क्रिप्ट वो नहीं भेजा था। अब 60 लोगों का यूनिट होटल में ठहरा हुआ था और प्रोड्यूसर का खर्चा ऑन हो गया था, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा था। तो उन्होंने वहाँ के कल्चर अफेयर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर थे उनको बोला कि यार कोई राइटर हो तो मुझे बताना यार, मैं बड़ा फंस गया हूँ, वो राइटर ने भेजा नहीं है स्क्रिप्ट और मैंने शूट करना है। तो उन्होंने कहा कि एक लड़का है वो ऐसे ही इधर घूमता रहता है मोटरसाइकिल सा उठा के, उसको पूछता हूँ अगर वो कुछ करे आपके, आपकी हेल्प कर दे। वो इरशाद है उसका नाम, कहते इरशाद, कहते वो पंजाबी थे। तो उन्होंने मुझे पूछा काका तुम्हारा नाम क्या है, मैं कह जी मेरा नाम इरशाद है। कहते वो तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है। तो मैं उनका इंटरव्यू लेने पहुंचा हुआ था वहां पे, तो वो उनके साथ मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे कहानी बतानी शुरू की, और कहानी बताते बताते वो अपने साथ मुझे लोकेशन पे ले गए। लोकेशन पे जाके उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है और अब तुम ये जो मैंने कहानी सुनाई है इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिख के मुझे दे दो, मैंने कैमरा लगा दिया है। अब मैं तो इंटरव्यू लेने गया था, मैं तैयार नहीं था, पर ऐसा भी नहीं था कि मैं पूरी तरह से अनजान था उस काम को लेके। तो मैंने उनके डायलॉग्स, उनका स्क्रीन प्ले, उनका वो सीरियल जी पे आया था कहाँ से कहाँ तक, 2001 की बात है ये। तो वो मैंने 22 दिन का शूट उनका ऑन लोकेशन निभाया। शाम को 5 बजे मैं अपनी ड्यूटी पे चला जाता था। जो रिपोर्टर होते हैं वो शाम, जनरली शाम को जाते हैं ऑफिसेस में और दिन भर इधर उधर खबरें ढूंढते रहते हैं। तो मैं दिन भर अपने उनके साथ शूटिंग करता था और शाम को 5 बजे अपना ऑफिस चला जाता था। 22 दिन का शूट निभाने के बाद 23 दिन में दिन उन्होंने मुझे RAC AS3 कोच और 64 नंबर बर्थ जो बाद में मेरी हो गई टिकट पकड़ा दिया कि तुम यार बॉम्बे आ जाओ। मैंने कहा जी बॉम्बे मतलब मैं कैसे आ, तुम मुझे मतलब मैंने सोचा नहीं अभी बॉम्बे आने का, आऊँगा मैं पर इमीजिएटली ऐसे आ जाएगा एक लख्त। तो कहते नहीं नहीं तुम आ जाओ, 15 दिन का ही शूट है तो तुम वो निपटा देना वहाँ पे, उसके बाद तुम वापस आ जाना। मैंने कहा चलो 15 दिन की बात है, बॉम्बे घूम लेंगे, वैसे भी मुझे जाना ही है तो थोड़ा शहर के साथ वाकफियत हो जाएगी कि कैसा शहर है बॉम्बे। तो मैं चला गया बॉम्बे। बॉम्बे गया, 15 दिन के लिए मैं गया था और मैं 9 महीने बाद वापस लौटा। मेरा जॉब भी जा चुका था, मेरे बारे में ये कहा जा चुका था वो बॉम्बे जाके लापता हो गया, वो पता नहीं किधर चला गया, वो बहुत बड़ा शहर है कहाँ खो गया। तो वो 9 महीने बाद मैं लौटा और तब मुझे जाके एहसास हुआ कि असल में कुछ चीज़ें होती हैं, होनी होती हैं उसी तरह से।
जैसे मैंने जॉब छोड़ी अखबार की, एक क्षणिक मोमेंट था। मैंने पहले मैं पीएचडी कर रहा था, पीएचडी के दौरान मैं कुछ पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मुझे अचानक से लगा कि एक्चुअली ये मेरा पैशन नहीं है पढ़ाना, मैंने छोड़ दिया। फिर अखबार की नौकरी की, और अखबार की नौकरी भी अपनी मर्जी से नहीं की, किसी दोस्त को का ने अप्लाई किया था, उसका वॉक इन इंटरव्यू था, वॉक इन इंटरव्यू दिलवाने के लिए गया था। गर्मियों के ऐसे ही दिन थे, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास मोटरसाइकिल था, तो उसने कहा अभी यार मुझे वापस भी ले जाना, अभी दो मिनट में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, तो तू एसी में बैठ यहाँ अंदर आके। तो उनको लगा मैं भी इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ हूँ, मेरी भी इंटरव्यू हो गई, वो रह गया, मैं सेलेक्ट हो गया और मैं जॉब करने लग गया वहाँ उसकी जगह पे। और ट्रिब्यून अखबार के जी। और फिर मैंने जॉब भी एक दिन अचानक ऐसे छोड़ी कि यार मैं तुमने कुलदीप नैयर बनना है क्या, खुशवंत सिंह बनना है, नहीं बनना ना, तो क्यों कर रहा है जॉब, वो जॉब भी छोड़ दी। और ये अचानक से लिए हुए फैसले मुझे उस सीट तक ले आए, उस ट्रेन तक ले आए जिसने मुझे बॉम्बे पहुंचा दिया। और मैं ये बात अपना जो मेरे पीएचडी के गाइड थे उनको मैं बोलता था कि मुझे जल्दी से पीएचडी करवा दो, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैंने बहुत कुछ लिखना है और बहुत कुछ लोगों तक पहुंचाना है, आप जल्दी से पीएचडी नहीं करवाओगे तो मैं बॉम्बे नहीं जा पाऊंगा अधूरी पीएचडी छोड़ के, तो आप कम से कम कुछ तो मतलब सोशल वर्क कर दो, जो मैंने लिखा हुआ है जल्दी से मेरे चैप्टर पास कर दो और मेरी पीएचडी सबमिट करवा दो। तो आप एक के बाद एक नौकरियां छोड़ते चले गए खाली गीतकार बनने के लिए या और आगे लिखने के लिए, तो ये यकीन, ये कन्विक्शन आप में कैसे आया कि आप मुंबई के मशहूर गीतकारों में अपना एक मुकाम बना सकते हैं? ये असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता, और जब आपको सोचना नहीं पड़ता तो उन चीज़ों को के बारे में जो आपने फैसला लिया होता है उनको वैसे होना पड़ता है, उन चीज़ों को वैसे होना पड़ता है। अगर मैंने, मुझे ये यकीन था, मैं अपने गाइड से जैसा मैंने कहा मैं कहता था, मैं अपने दोस्तों से बात ये करता था बहुत मजाक में, शेर व शायरी की होती थी तो मैं उनसे कहता था कि यार मेरे पास माल ही कुछ और है यार, तुम्हें पता नहीं है, जो लोगों को तक पहुंचेगा तो लोगों को पसंद आएगा। और मुझे यकीन था कि बम्बई में मेरी रोजी रोटी पड़ी हुई है, बम्बई मेरा इंतज़ार कर रहा है, बस मुझे जाना है और वहाँ बता देना है लोगों को कि देखो जी मेरा नाम इरशाद कामिल है, तुम लोग मुझे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैं आ गया हूँ, अब चलो बताओ क्या काम करना है। और यकीन मानिए वही हुआ। बम्बई में पहला दिन जब मैं उतरा तो उस बड़े एक छोटे शहर के नौजवान को बड़े शहर में थोड़ा डर तो लगता है, बड़ा महानगर के अपने प्रेशर्स होते हैं, लेकिन ऐसा वो नाकामयाबी का डर नहीं था, वो अकेलेपन का एहसास था। जैसे जैसे शहर बड़ा होता जाता है वैसे वैसे छोटे शहर का इंसान, छोटे शहर का लड़का और अकेला होता जाता है। वो अकेलेपन के एहसास से ज़रूर घबराया होगा लेकिन नाकामी के एहसास से कभी नहीं घबराया। वो यकीन था कि ये ऐसे ही होना है और ऐसे ही होगा। बेसिकली मतलब सारी चीज़ें आत्मविश्वास की ओर पॉइंट करती हैं कि आप में इतना कन्विक्शन था जी कि मैं कर लूँगा। हाँ, ऐसा कह लीजिए, आत्मविश्वास कह लीजिए, कुछ भी कहा जा सकता है इसको। मतलब मुझे, मैंने कहा ना कि अगर आपने ये यकीन कर लिया कि ये चीज़ ऐसे ही होनी है तो उस चीज़ को वैसे ही होना पड़ता है। अब ये क्यों पुराना बहुत डायलॉग है कि जब दो दिल मिलना चाहते हैं तो पूरी कायनात उनको मिलाने के लिए मिलाने की कोशिश करती है। कोई कायनात वायनात को और बहुत सारे काम है यार, उसको नहीं कि मिलवाने मिलवाना करने की कोशिश, मतलब इतने बड़े बड़े काम है कायनात को। असल में ये है कि आप नहीं चाहते कि कोई और फैसला लिया जाए हम दोनों के बारे में, आप किसी दूसरे फैसले के खिलाफ हो, आपको वही फैसला चाहिए जो आप चाह रहे हो, तो इसलिए वो फैसला हो जाता है। तो आप उस सिचुएशन से जूझते हैं जी और उसे मुकम्मल करके रहते हैं। मुकम्मल करके रहते हैं। हम लोग गाने सुनते हैं जी,
पर शायद हम में से किसी को भी ये पता नहीं होगा कि बॉलीवुड के गाने बनते कैसे हैं। तो एक गाना बॉलीवुड का जो होता है वो कैसे बनता है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है? जी, असल में कहानी होती है, ये आप सब लोग जानते हैं, कहानी होती है, कहानी में कुछ सिचुएशंस होती हैं, उन सिचुएशंस के तहत एक कंपोजिशन बनाई जाती है पहले, और उस कंपोजिशन पे लिखा जाता है। जैसा कि एक मजरू साहब, मजरू सुल्तानपुरी साहब एक गीतकार हुए हैं, उन्होंने उनकी ये स्टेटमेंट है कि फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से होता है कि पहले कफन बना लिया जाता है, फिर उसके नाप का मुर्दा ढूंढना पड़ता है। तो पहले धुन बन जाती है, अब फिर आप उस धुन के मुताबिक आप अपना उस सिचुएशन में गाना लिखते हो। आप जितने गाने सुन रहे हैं मेरे, वो भले दिल दियाँ गल्लां हो, भले ये बेख्याली हो, भले वो हवाएं हो, भले वो कुन फाया कुन हो, भले वो नादान परिंदे हो, भले वो ये इश्क हाय बैठे बिठाए हो, भले तुमसे ही हो, कोई भी गाना आप ले लीजिए, वो सब के सब गाने धुन पे लिखे हुए गाने हैं। 99.9% गाने धुन पे लिखे जाते हैं, और धुन पे लिखते हुए सबसे ज़्यादा बात का जो मैं ख्याल रखता हूँ वो ये है कि गाना मेरा झूठा ना लगे, गाना ऐसा लगे कि सुनने वाला कहे कि यार ये बात मैं कहना चाहता था लेकिन इस तरह से कह नहीं पाया, ये बात मैं महसूस कर रहा था, ये मैं मेरे दिमाग में घूम रही थी पर जुबान पे नहीं आई थी बात। तो वो तभी होता है, बेसिकली आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग्स, उस फीलिंग के साथ आपकी आइडेंटिफिकेशन करेक्ट तौर पे हो जाए, जब आइडेंटिफिकेशन करेक्ट तौर पे हो जाती है तो आप कनेक्ट कर जाते हैं उस फीलिंग के साथ, आपको सच्ची लगने लगती है वो फीलिंग, आपको अपनी लगने लगती है। तो ये पहले कहानी, फिर कहानी में कुछ सिचुएशंस, स्थितियां, परिस्थितियां, उन परिस्थितियों के तहत पहले धुन, धुन के बाद फिर गीत, और फिर गीत के बाद आप सुनने वाले। तो इसी संदर्भ में आपने अपनी किताब में लिखा है कि धुन और शब्द में जब भी खींचातानी होती है तो अक्सर शब्द को ही समझौता करना पड़ता है। तो आप जब कभी कुछ चीज़ लिखते हैं और आपको लगता है कि आपने बहुत बेहतर लिखी है और उस लिरिक्स में से आपको अपने शब्द काटने पड़ते हैं धुन की वजह से, तो कैसा महसूस होता है? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बड़ा चालाक आदमी हूँ। ये किस्सा मैं अक्सर सुनाता हूँ। एक हमारे दोस्त हैं, वो बड़ी अच्छी पिक्चरें बनाते हैं, उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी सोचा ना था, तो मैंने उसमें एक गाना था कि कुछ ना हुए तो ना सही, कुछ ना बने तो ना सही। तो उस ये मैं इम्तियाज़ अली की बात कर रहा हूँ, तो वो उनको मेरी एक पुरानी गज़ल बड़ी, मतलब नज़म नुमा चीज़ थी, बड़ी पसंद थी, यही कुछ ना हुए तो ना सही। उन्होंने कहा कि ये मुझे पसंद है लेकिन मैं स्टार्ट इसको वहाँ से करना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारा वो मख्ता है, मख्ता आखिरी शेर को कहते हैं, जिसमें आखिरी बंद को कहते हैं जिसमें शायर का नाम होता है। एक पेड़ हमने प्यार का कामिल लगाना है ज़रूर, फला गए तो ठीक है, वो ना फले तो ना सही। तो कहता मैं गाना यहाँ से स्टार्ट करूँगा लेकिन ये बीच में से तू अपना कामिल वामिल निकाल ले यार, ये इसकी जगह कुछ और रख दे, इसकी जगह कुछ और लिख, फिर गाना यही है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने लिख दिया उस, बदल दिया उसको। मैंने कहा यार ठीक है, तुम कहते हो तो बदल लेता हूँ। तो गाना वो है सोचा ना था पिक्चर में, अगर आप देखें, अभय देओल की पहली पिक्चर थी वो, आयशा टाकिया की पहली पिक्चर थी, मेरी पहली पिक्चर थी, इम्तियाज़ अली की पहली पिक्चर थी, बहुत सारे लोगों की पहली पिक्चर थी वो। तो मैंने निकाल दिया, तो मैंने कहा ऐसा कर देते हैं कि एक पेड़ हमने प्यार का मिलके लगाना है ज़रूर, फल आ गए तो ठीक है, वो ना फले तो ना सही। तो उसने कहा वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक है, हम यही रखेंगे, एक पेड़ हमने प्यार का मिलके लगाना है ज़रूर। जब गाना रिकॉर्ड हो गया तो मैंने उसे कहा, मैं ये दोहरा रहा हूँ बात, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार, कि मैंने कहा एक्चुअली ना तुम्हें पता है इरशाद कामिल नहीं जा सकता कहीं से। कहता कैसे? मैंने कहा एक पेड़ हमने प्यार का मिल के लगाना है ज़रूर।
तो मैंने जो कहा था कि मैं बड़ा चालाक आदमी हूँ, मुझे जो चीज मतलब चालाक से मेरे कहने का मतलब है वो उस एहसास को बरकरार रखने वाली बात के उस बात को वहाँ जो आपको लगता है ये सही है उसको आप कैसे बता सकें सामने वाले को भी कि ये बात सही है। वक्ती तौर पे तुम्हें ये बात ऐसा हो सकता है कि ना सही लगे, और अगर वाकई कोई भी आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अब पॉइंट ऑफ व्यू किसी एक का रहना चाहिए। अगर बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो जाते हैं किसी एक काम में तो फिर वो सो मैनी कुक्स वाली बात हो जाती है। हाँ, तो अब अगर आप डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं तो उसने अगर बोला है कि यार मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, पहली बात तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कहना क्या चाह रहा है। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि उससे बेहतर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आपको बेहतर ऑप्शन ज़रूर बताना चाहिए। भारत में किस्सा गोई का कोई भी फॉर्म हम देखें, भले ही वो लोक कथा हो, माइथोलॉजी हो, नाटक हो या कमर्शियल फिल्म्स, गानों के बिना अधूरी रहती हैं। तो हम कहानी में गानों की बात करते हैं, पर आपने अपनी इस किताब में एक नए तरह के लेखन की कोशिश की है जिसमें आपने चुनिंदा गानों के पीछे की कहानियों के बारे में बात की है, तो ऐसा लेखन करने का ख्याल आपको कैसे आया? ये इस वजह से मुझे लगता है, देखिए कहानी में गाने होते हैं ये सब लोग जानते हैं, पर हर गाने की एक कहानी होती है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हम 4 मिनट में 5 मिनट में एक गाना सुन लेते हैं और सुन के गाने वाले की तारीफ कर देते हैं, लेकिन किसने लिखा है बहुत कम लोग जानने की जहमत उठाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मेहनत का काम है। मेहनत का काम इसलिए है कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये गाना किसने लिखा है। अब किसी सिंगर ने गाना गाया होगा, वो आपने इतने गाने सुने होंगे बिना ढूंढे ही आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये मोहम्मद रफ़ी का गाना है, अच्छा ये किशोर कुमार का गाना है। अगर आपको वो भी ढूंढना पड़ता तो हम इतने आराम पर रहते, हम वो भी ना ढूंढते। वो तो पहचान आवाज़ की हमें अपने आप पहुंचा देती है वहां तक। और दूसरी बात ये कि जो एक लिखे हुए की आप कह लीजिए एक वैल्यू होती है, लिखे हुए की एक वैल्यू होती है, वो लिखे हुए की वैल्यू जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है एक पॉइंट के बाद। तो आवाज़ एक चीज़ है, लिखा हुआ एक चीज़ है, और उसका म्यूज़िक एक अलग चीज़ है। ये तीन अलग अलग इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस को, इसमें से किसी एक की भी इम्पोर्टेंस को हम नकार नहीं सकते। तो वो जो लिखने वाले की एक इम्पोर्टेंस है उसको कैसे सब लोगों तक पहुंचाया जा सके, वो कोशिश काली औरत का ख्वाब की है। गीतों के पीछे की कहानियाँ, गीतों के पीछे की एक कह लीजिए एक किस तरह से हमारे वैचारिक मतभेद हुए डायरेक्टर के साथ, किस तरह से हमारी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ लड़ाइयाँ हुई, क्या नाराज़गियाँ हुई, क्या लिखा गया था, क्या बदला गया, क्यों काटा गया, और कौन कौन से ड्राफ्ट बनाए गए। मगर अगर मान लीजिए तुमसे ही गाना लिखा गया जब वी मेट का, तो उस गाने से पहले क्या था जो हमें वहाँ तक लेके आया। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये हमने इस किताब में लिखी हुई हैं। तो आपकी किताब का शीर्षक है काली औरत का ख्वाब, जो बड़ा अनयूजुअल है, इसके क्या मायने हैं? जी, काली औरत का ख्वाब जब ये किताब आई थी तो इसके बारे में बहुत सारे सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने कमेंट भी कर दिए थे बिना ऐसे करके कि ये तो बड़ी आपने जाति, 10 मिनट लेफ्ट, अच्छा जी जाति रंग भेद पे आपने टाइटल रख दिया है काली औरत का ख्वाब। काली औरत का ख्वाब हर उस छोटे शहर के बड़े ख्वाब देखने वाले का ख्वाब है, जो पश्चिम एक्सप्रेस से नहीं तो फ्रंटियर मेल से, फ्रंटियर मेल से नहीं तो इलाहाबाद एक्सप्रेस से या प्रयाग एक्सप्रेस से। क्या हुआ भाई साहब?
हेलो हेलो। तो वो जो छोटे शहर का बच्चा बड़े ख्वाब देखता है और बम्बई पहुंचने की कोशिश करता है, उसका यही ख्वाब होता है कि एक दिन आएगा और जब मैं उस काली औरत को अपने हाथ में उठा के कहूँगा थैंक यू गॉड, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, तो ये वो काली औरत है जिसको हाथ में उठा के मैंने भी पहली बार यही सब कुछ कहा था। जब आपको लगता है कि आपका हुनर रिकॉग्नाइज हो गया है, ये वो ब्लैक लेडी है, ये फिल्म फेयर की बात है, काली औरत का जो ख्वाब है। तो चलिए अब हम वो गाना सुनते हैं जिसकी वजह से आपको पहले फिल्म फेयर अवार्ड यानी ब्लैक लेडी से नवाजा गया और आपका काली औरत का ख्वाब मुकम्मल हुआ। जी मेरे दिन जीना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे अब गले, तेनू दिल दा वास्ता रबाया धर के यार के सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे, तेनू दिल दा वास्ता अज दिन पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की कहानी इस किताब में है। कहानियाँ सारी ये पहले फिल्म फेयर तक सिमटती है ये किताब। कहानियाँ और भी हैं, और भी किताबें आएंगी जो आप तक पहुँच जाएंगी, लेकिन बात ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं अपने अपनी ज़िंदगी आपको एक कभी कभी कहानी लगने लग जाती है कि एक बार आप चले थे कुछ हासिल करने के लिए, वो हासिल आपने किया, उसके बीच में छोटी छोटी घटनाएं हुई जिसमें आप कई बार गिरे, कई बार उठे, कई बार हमसादा तबीयत लोगों का क्या सजना संवरना साहेब जी, हमसादा तबीयत लोगों का क्या सजना संवरना साहेब जी, इन राख सरीखे शोलों का क्या जलना बुझना साहेब जी, हालात से ठोकर खा के गिरे फिर कपड़े झाड़े चलते बने, हालात से ठोकर खा के गिरे फिर कपड़े झाड़े चलते बने, हम थाल से पलटे बेरों का क्या बनना बिगड़ना साहेब जी। तो ये गिरने की, उठने की, कपड़े झाड़ के फिर चल पड़ने की सारी जो कहानियाँ हैं, सारे जो वो किस्से हैं, सारे वो एनेक्डोट्स आपको इस किताब में मिल जाएंगे। आप हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, एक नई ज़मीन, एक नई सोच की तलाश में रहते हैं। इसी कोशिश का एक हिस्सा है रॉकस्टार फिल्म का वो गीत फिर से उड़ चला। जी। तो पहले हम वो गीत सुनते हैं और फिर बातचीत जारी रखेंगे। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले, दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियां, फिर धुआ
दुआ दुआ तन हर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक ओ, 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 फिर से उड़ चला सपने ये किताबी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं। इतने सारे सपने क्या कहूँ, किस तरह से मैंने तोड़े हैं छोड़े हैं। क्यों मेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये अलग किस्म का गाना था जिसमें रेगुलर गानों की तरह ना तो मुखड़ा था ना अंतरा, बस एक फ्री अन इंटरप्टेड फ्लो था। इस गाने को आपने कैसे लिखा? देखिए मैं बड़ा सच बोल रहा हूँ और मैं हमेशा ही सच बोलता हूँ। इस गाने को इम्तियाज ना पसंद करे मेरी पूरी कोशिश थी। मैंने उसे कहा ये तो गाना ही बहुत, ये तो धुन ही नहीं अच्छी है यार, क्यों? मैंने ये कहा कि ये इतनी मुश्किल धुन थी जिसका मीटर ही समझ में नहीं आ रहा था कि यार इसको लिख पकड़ना कहाँ से है। इसको कोई बात आप शुरू करेंगे तो आपको शुरुआत तो कोई सिरा तो मिले कि यहाँ से शुरू करेंगे तो बात ख़त्म होगी। अब मैं डर गया ये धुन सुनने के बाद। ये हंस ध्वनि एक राग है जिसकी बिना पे रहमान साहब ने ये कंपोजिशन बनाई थी। अब उन्होंने कंपोजिशन बनाई और इम्तियाज को पसंद आ गई। अब वो कंपोजिशन इतनी डिफ़िकल्ट थी, मुझे लगा यार इस पर तो गाना लिखना बहुत मुश्किल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं बेहतर ये काम कर सकता हूँ कि मैं इम्तियाज़ को कन्विंस कर दूँ कि ये तो बहुत ही, इससे बेहतर गाना हम और कुछ ढूंढ सकते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की कि यार कोई और धुन ढूंढते काम करते हैं किसी और धुन पे, लेकिन इम्तियाज़ को धुन इतनी पसंद आई, उसने मेरी एक नहीं सुनी, उसने कहा यही धुन है और इसी धुन पर काम करो। और इस धुन पर हमने, मैंने ये इकलौता गाना है जिस जो हम मैंने सिंगर की मौजूदगी में लिखा, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड धुन थी, मैंने कुछ मीटर के हिसाब से लिख दिया, वो सिंगर गा पाएगा या नहीं गा पाएगा, वो लफ्ज़ उसकी ज़बान पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। एक बार मैंने लिख दिया, वो माइक पे चला गया और उसने मुझे बोला कि इरशाद ये तो गाने में मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो मैं तुरंत कैसे बदलूँगा वहीं बैठ के। तो मैं, मोहित चौहान और इम्तियाज चेन्नई का ताज होटल, और वहीं पे चेन्नई के ताज होटल में ये फिर से उड़ चला गाना मैंने लिखा। और साथ साथ गाना लिखते लिखते उसको मैं मोहित चौहान को बोल गाने के लिए बोल भी रहा था कि अच्छा इसको ये लाइन गा के देखो, कभी डाल डाल कभी पात पात, तो वो गा के देखता था तब मैं आगे बढ़ता था, फिर आगे थॉट। और इस गाना, ये गाना शुरू होता है और अंत को पहुंच जाता है। इसका ना कोई मुखड़ा है, ना कोई अंतरा है, ना कोई हुक लाइन है। ये जितने भी एक गाने के सेट रूल्स होते हैं सारे के सारे तोड़ दिए थे इस गाने ने। आपका गाना दिल दिया गल्ला भी बहुत पॉपुलर हुआ। जी जी, फिल्म जी, थी टाइगर जिंदा है, गायक थे आतिफ असलम और गीतकार आप, इसका क्या एक्सपीरियंस रहा? मुझे वो एक सीन याद आता है, यशराज में म्यूज़िक चल रहा था, मैं, विशाल शेखर, तीनों यशराज की जो ऑडियो विंग है उसकी सीढ़ियों पे खड़े थे और हम बात कर रहे थे कि यार ये जो दिल दियां गल्ला गाना है ना, ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा, थोड़ा ठंडा गाना है, इसकी जगह क्या हम कोई और ट्राई करें, कोई दूसरा गाना ट्राई करें, कुछ और बना के देखें। तो हमने कोशिश की भी थी। मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ कि कई बार आपको भी नहीं पता होता कि ये चीज़ इतनी बड़ी बन जाएगी आगे जाके। जैसे मुझे हमें यकीन नहीं था कि जब वी मेट पिक्चर लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आएगी, उसके गाने इतने ज़्यादा पसंद आएंगे। रॉकस्टार का म्यूज़िक रिलीज़ करते हुए
मैं भी इम्तियाज़ भी और रहमान सर भी डरे हुए थे कि यार ये कुछ अलग तरीके का म्यूज़िक है, पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे। अभी मैं जैसा आपने ज़िक्र किया, दिल दियां गल्लां हम पिक्चर में बदलने वाले थे गाना, उसकी जगह कोई और रखने वाले थे गाना, लेकिन दिल दियां गल्लां आ गया और जिसको मतलब 500 550 से ज़्यादा हिट हो गए हैं, मिलियन से ज़्यादा हिट हो गए हैं यूट्यूब पे। बेख्याली गाना जिस तरह से हिट हुआ, हमें नहीं उम्मीद थी कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा गाना। कुछ चीज़ें, हर गाने की एक कुंडली होती है, जैसे हर बच्चे की एक कुंडली होती है, तो वो गाना अपनी किस्मत लेके आता है। तो ये दिल दियां गल्लां अपनी किस्मत लेके आया था। जब गाना बन रहा होता है, मुझे लगता है वो जब कुछ तो ग्रह उस टाइम भी काम कर रहे होते हैं ना, तो उसकी भी तो कोई कुंडली होती है ना, वो भी तो कहीं उस कुंडली का की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। तो मुझे लगता है बेख्याली गाने के साथ भी ऐसा ही हुआ, दिल दियां गल्लां गाने के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो कुछ गाने आप से आपके हाथ से छूटते हैं और सुनने वाले उसको हाथों हाथ ले लेते हैं। तो बेख्याली से ही अब आपसे पूछती हूँ कि जो ये गाना था, ये फिल्म कबीर सिंह का है जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है जी, पर ये गाना रिलीज़ होते ही चंद मिनटों में पॉपुलैरिटी चार्ट्स के शिखर पर पहुंच गया जी। तो हम पहले गाना सुनते हैं और फिर बातचीत जारी रखेंगे। चढ़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब दे गया तू, ये सवाल आए थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने से, थोड़ा सा तुझ पे भी बेवजह ही मलाल आए। सुना है इस गाने में फिल्म के डायरेक्टर संदीप वंगा चाहते थे कि 5 डाइवर्स इमोशंस जो हैं, दर्द, प्यार, गुस्सा, पैशन और एंग्जाइटी, एक ही गाने के द्वारा अभिव्यक्त हो। तो ये आपने कैसे किया? मैंने तो पहले कहा कि मैं इन्हीं चीज़ों का बनाऊंगा। आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि आपने डायरेक्टर को भी राज़ी करना है, आपने म्यूज़िक डायरेक्टर को भी राज़ी करना है, आपने एक कहानी की सिचुएशन भी निभानी है, आपके पास एक कंपोजिशन है वो कंपोजिशन भी निभानी है, और सबसे बड़ी बात आपके पास एक वाइडर ऑडियंस है उस तक गाना पहुँचना पर चाहिए, और सबसे छठी ज़रूरी चीज़ आपने अपने आप को भी बचाना होता है, थोड़ा सा अपनी कलम को भी बचाना होता है। तो वो एक 6-7 फ्रंट पे लड़ाई होती है जिसके वजह से ऐसा होता है। अक्सर ऐसा मैं ये बोलता हूँ कि आप कोई लाइन, जैसे आपको लगता है कि इस डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ नहीं जा रही है, लेकिन बाद में एक एक टाइम के साथ रियलाइज़ होता है कि ये रख लेते हैं। जैसे जो मैंने अभी जैसे शुरू में सुनाया, आजमाने आजमाले रूठता नहीं, ये मैंने बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए का ऑप्शन लिखा था कि अगर मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आता है बेख्याली में तेरा ही ख्याल आए, तो आप ये रख लीजिए, आजमाने आजमाले रूठता नहीं, फासलों से हौसला ये टूटता नहीं। अब वो डायरेक्टर को शायद, जैसा मैंने कहा कि वो इन्ग्रेडियंट जो थे वो हवा, पानी, वायु, अग्नि, आकाश की जगह जो पैशन और एग्नि की बात मैंने आपको बोली है, वो उसको समझ में आ गया। उसने जितना मैंने गाना लिखा था उसने पूरे का पूरा गाना रख लिया,
उसने वो तीनों मुखड़े रखे, उसने वो दोनों अंतरे रखे, ये जो लोग बाग हैं जंगल की आग हैं, ये जो लोग बाग हैं जंगल की आग हैं, क्यों आग में जलूं, ये नाकाम प्यार में खुश हैं ये हार में, इन जैसा क्यों बनूं। तो ये उसका एक रिवोल्ट है, उस करेक्टर का एक रिवोल्ट है कि मुझे उन तुम जैसा तुम्हारे सांचों में ढल के तुम जैसा नहीं बनना है, मुझे अपनी तरह का इंसान बनना है और अपनी तरह का इंसान बने रहना है। तो ये सारी बातें, ये गाना, नॉर्मल गाना 4 मिनट में ख़त्म हो जाता है, ये बड़े देर के बाद बेख्याली गाना है जो 6.25 मिनट का गाना है, और सब मेरे दोस्तों को, जिनको पसंद आ रहा है वो सब मेरे दोस्त हैं। हमें इशारा हो रहा है कि समय सीमा समाप्त हो रही है, तो चलते चलते आपके पोइट्री बैंड जिसका नाम इंक बैंड है जी, इंक बैंड, उसके बारे में एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी जी। ये भारत का अपनी तरह का पहला पोइट्री बैंड है, तो इसे शुरू करने का ख्याल आपको कैसे आया जी? जैसा मैंने पहले कहा, मेरे दोस्त हैं जो जिनको मेरा काम बड़ा अच्छा लगता है, वो सारा जो यंग यूथ तबका है, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी धीरे धीरे ना, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया पे आपको कोई 2 लाइन मिल जाती हैं, कोई कुछ पोइट्री मिल जाती है, सोशल मीडिया ने एक हल्का सा रुझान अलग तरीके से कर दिया है पोइट्री की तरफ, तो मुझे लगा कि इनके पास एक्चुअली फीलिंग्स तो हैं लेकिन मोबाइल ना एक्सप्रेशन ख़त्म कर रहा है, वो यू को यू कर रहा है, वो थैंक यू को TY कर रहा है, वो फर्स्ट ईयर को FY कर रहा है, तो एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, फीलिंग्स नहीं कम हो रही हैं, तो मैं क्यों ना इनको वो चीज़ें दूँ जो एक्चुअली ये एक्सप्रेस, इनकी फीलिंग्स हैं जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वो कैसे हो सकता है, मैं पोइट्री बैंड बनाऊं जो मैं अच्छी चीज़ें, एक अच्छा एक्सप्रेशन इनके सामने रखूं जिनको वो यूज़ कर लें, अपने तरीके से इस्तेमाल कर लें। और जैसा कि आपने शुरू में कहा, बहुत सारे आप देखेंगे कि फेसबुक पे, ट्विटर पे वो स्टेटस बने हुए हैं, उस पोइट्री की लाइनों के स्टेटस बने हुए हैं यूथ के, तो बेसिकली जोड़ना यूथ को एक अच्छे लिटरेचर के साथ जोड़ना। आप किसी को कोई बहुत समझदारी की बात समझाना चाहते हैं तो समझदारी की बात अगर आप मजाक में कहेंगे ना, जल्दी समझ में आ जाएगी, तो समझदारी की बात को अगर समझदारी से कहा जाए तो अब मेरा तो दिमाग ही बंद हो जाता है भाई, मुझे तो, मैं तो नहीं समझ पाता उस बात को। तो आसानी से एक अच्छा एक्सप्रेशन कैसे आता है ये बताने के लिए मैंने हिंदुस्तान का पहला पोइट्री बैंड द इंक बैंड शुरू किया, जो मैंने आपको एक आध नज़म सुनाई जिसकी, वो उसी बैंड में है, वो यूट्यूब पे है बैंड, आप इरशाद कामिल नाम से अगर ढूंढेंगे तो जाते जाते ये एक और नज़म मैं आपको सुना देता हूँ उसकी के। मैं पुराने ज़माने का दस्तूर हूँ, मैं पुराने ज़माने का दस्तूर हूँ, तुम तरक्की पसंद इसलिए दूर हूँ, तुम मुझे भूल जाने को मजबूर हो, मैं तुम्हें याद आने को मजबूर हूँ, तुम मुझे भूल जाने को मजबूर हो, मैं तुम्हें याद आने को मजबूर हूँ, मेरी कारों से बंगलों से तेरे खत में रहूंगा मैं आदाब सा, तेरे खत में रहूंगा मैं आदाब सा, तेरी आंखों पे भटके हुए ख्वाब सा, मैं ना खोऊंगा अपनी इज्जत कभी, मैं हूं तुलसी की लिखी किताब सा, तुम जो समझो तो समझो कि मगरूर हूं, मैं पुराने जमाने का दस्तूर हूं, मेरी कारों से बंगलों से निस्बत नहीं, निस्बत मतलब जुड़ाव, मेरी कारों से बंगलों से निस्बत नहीं, क्या तभी तुमको मेरी जरूरत नहीं,
मेरी कारों से बंगलों से निस्बत नहीं, क्या तभी तुमको मेरी ज़रूरत नहीं, तुम जो मानो तो ला दूँ मैं ये सब तुम्हें, इनमें आराम है पर मोहब्बत नहीं। मैं मोहब्बत में छलका हुआ नूर हूँ, मैं पुराने ज़माने का दस्तूर हूँ। तो वो आप लोगों तक, मतलब सुनने वालों तक अच्छी पोइट्री अच्छे संगीत के साथ और अच्छी गायकी के साथ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है इंक बैंड। अब ये सत्र खुला है आप सबके सवालों के लिए। आप लोग एक एक करके इरशाद जी से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी इरशाद साहब। जैसे कि आपने कहा कि आजकल बॉलीवुड के अंदर धुन पहले बनाई जाती है और उसके बाद गाने को लिखा जाता है, तो आजकल सर ये रैप म्यूजिक का बहुत ज़्यादा चलन है, तो क्या ऐसे गानों की भी धुन पहले बनाई जाती है जिनके अंदर धुन कम और शब्द ज़्यादा होते हैं? ऐसा है, रैप में शब्द होते हैं आजकल? मैं कम सुनता हूँ यार, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। होते हैं। रैप की फुल फॉर्म है रिदम एंड पोएट्री। एक पोएट्री जो रिदम में बोली जाती है उसको रैप बोलते हैं। अब जो हम सुन रहे हैं वो कोई भी हो, भले इवन जो आप पॉपुलर गाने रैप जिनकी बात कर रहे हैं या जो रैपर गा रहे हैं, क्या वो पोएट्री है? मैं तो तेरी गली के चक्कर लगाऊंगा, तेरे सामने आऊंगा, तुझको देखता जाऊंगा, तेरे घर में। दिस इज नॉट पोएट्री मैन, दिस इज जस्ट राइमिंग। राइमिंग इज नॉट पोएट्री। तो जो पहली बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि लव्स, यहाँ हम ना सही इस्तेमाल रैप का नहीं कर रहे हैं, पोइट्री का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो आ ज़रूर रहे हैं लेकिन जिस तरह से आ रहे हैं उसी तरह से जा भी रहे हैं। वो हमारे साथ नहीं रह रहे हैं। हमारे साथ जो गीत रहते हैं वो वही होते हैं जिनके साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं। जो गीत ना तुमसे ज़्यादा और कौन जानेगा, जवान आदमी हो, दोस्त हो, के गीत भी दोस्त होते हैं। दुख के टाइम पे जब कोई दिलासा नहीं देता, गीत। खुशी के टाइम पे जब कोई साथ नहीं होता, गीत साथ होता है। इंसान जब अकेला होता है, घर में कोई नहीं होता या कहीं जा रहा होता है, कोई सब पास नहीं होता, गीत पास होता है। हमारे सबसे अच्छे दोस्त हमारे गीत होते हैं। थैंक यू सर। आपने बशीर साहब का जिक्र किया जी। हाँ हेलो। हजारों मेरे दफन हैं कागज की कब्रों में, अजब माँ हूँ कोई बच्चा मेरा जिंदा जी। तो पहला फिल्म फेयर जो आपका गाना है उसमें आपने कहा था कि मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे। तो सीधा सीधा जब आप राबता लेकर आते हैं खुदा के साथ में, तो जब इस तरह के गाने आ रहे हैं उसी बीच में कोई एक अलहदा सा गाना आगे चला जाता है। मैं सिर्फ इसलिए जानना चाह रहा हूँ ये बात, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा गाना और एक कम अच्छा गाना जो है उसका फर्क कि ऑडियंस शायद वो दी है कई हद तक। ऑडियंस क्या, ये क्या मुझे सुन नहीं रहा है? हेलो हेलो। बीच में कई मामलों में ऐसा हो रहा है सर कि जैसा अभी जिक्र भी किया भाई ने कि रैप वाले गाने जो हैं, अलहदा गाने जो हैं, जो रैप जिस तरह से, बहुत स्पष्ट कर देता हूँ मैं, वो गाने थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं या लिटरेचर के नाम पर नहीं सुन पा रहे हैं लोग जिनको, तो उसमें फ़र्क आ जाने पर कुछ लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए काम किया जाए ज़्यादा। जैसे आपने अभी तय किया था कि नसरी नज़में जो आप पढ़ रहे हैं अभी जी, नसरी नज़में जो इन बैंक के थ्रू आ रही हैं लोगों के सामने, मैंने एक गाना लिखा है कि नैना फिरोजी नहर ख्वाबों का पानी में घर, नैना फिरोजी नहर ख्वाबों का पानी में घर, ऐसे हूँ मैं तेरे बिन जैसे सहरा की कोई सहर। ये पोइट्री है। लेकिन गाना हिट कौन सा हुआ? तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां। बस अब इसमें लिखने वाले का कोई बनाने वाले का कसूर नहीं है, उसने भरपूर पोइट्री का गाना उसी पिक्चर में दिया हुआ है।
ये भी आपके लिए किया था काम। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां एक पॉपुलर रिदम वाला गाना आपको जल्दी समझ में आ जाता है। उसका रीजन पता क्या है? उसका रीजन ये है कि हम में से बहुत सारे लोगों का से मेरा मतलब है कम से कम 70% लोगों का म्यूजिक के बारे में कोई टेस्ट नहीं है। हम कभी कोशिश से अच्छा म्यूजिक सुनते ही नहीं है। हम वही म्यूजिक सुनते हैं जो गाड़ी में एफएम वाला हमें सुना रहा है, और गाड़ी में एफएम वाला वो सुना रहा है जो म्यूजिक कंपनी उसे कह रही है कि तुम ये बजाओ। ये तो हमारी ईमानदारी है म्यूजिक को लेकर। तो जब हमारी ये ईमानदारी है म्यूजिक को लेके, तो हम कैसे उम्मीद करें? आप एक पिक्चर में 6 गाने होते हैं, कम से कम 5 गाने होते हैं। आप यकीन मानो जो गाने कंपनी प्रमोट नहीं करती कोई भी, वही सबसे बेस्ट गाने होते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी कि जब भी मैट का तुमसे ही गाना प्रमोट नहीं हुआ था, वो अपने दम पे गाना आप तक पहुंचा है, वो गाने में दम था। अब ये भारत का आपने डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में स्लो मोशन में सुन लिया होगा रेडियो पे गाना, लेकिन उसी में एक आया ना तू गाना है। पानी पांचों दरियाओं का है कम हो रहा, तेरे आने का यकीन क्यों भरम हो रहा। जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी पोइट्री है वो, या टाइगर जिंदा है में आपने स्वैग से स्वागत सुन लिया, दिल दिया गल्ला आपने सुन लिया, उसी में एक गाना था कि जो थी तेरे वजूद पे दुनिया, बैठी है बारूद पे दुनिया। जो थी तेरे वजूद पे दुनिया, बैठी है बारूद पे दुनिया, मूल तो सबको भूल गया है, जीती है अब सूद पे दुनिया। तो लिखने वाला लिख रहा है, सुनने वाला सुनने की मेहनत कर रहा है। सर, कितना चैलेंजिंग होता है यूथ की लाइक्स को और डिमांड्स को मीट करना? यूथ की, मैं उनको देख के ऐसा नहीं सोचता हूँ कि ये मुझे, मेरा गाना यूथ को पसंद आना चाहिए। तुम यकीन, क्या नाम है तुम्हारा? सर, तेजस्विता। हाँ, तुम्हारा जो फील होगा ना, वो जब मैं तुम्हारी एज में होऊंगा, मैंने कोई अलग नहीं फील किया होगा। सिर्फ ये है कि आपको वहाँ कनेक्ट करना होता है। आपको जिस किरदार के लिए, अगर मैं कबीर सिंह के लिए गाना लिख रहा हूँ, तो मुझे कबीर सिंह के साथ कनेक्ट करना है। मैं अगर जॉर्डन के लिए गाना लिख रहा हूँ, तो मुझे जॉर्डन के साथ कनेक्ट करना है। मैं रणवीर कपूर के लिए गाना नहीं लिख रहा हूँ, और इरशाद कामिल भी गाना नहीं लिख रहा है। अगर मान लो किसी मौके पे जॉर्डन ही खुद पोएट हो जाए, तो वो क्या लिखेगा? वो तो यही लिखेगा ना, साडा हक इत्थे रख। वो तो लिखेगा ना, नादान परिंदे घर आ जा। वो तो अगर कबीर सिंह है, तो कबीर सिंह तो कहेगा ना कि आ जमाने आज माले रूठता नहीं। तो कुछ देर के लिए आपको मेंटली उस जगह पे ट्रांसफ़र हो जाना होता है, जिस जगह पे आप कर रहे होते हो वो पर्टिकुलर काम। मैं ही तमाशा का वेद भी हूँ, मैं ही तमाशा की मीरा भी मैं ही हूँ, जॉर्डन भी मैं ही हूँ, हीर भी मैं ही हूँ। वो वक्त वक्त पे आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा सोच के कि ओके, ये गाना यूथ के लिए है, ये गाना सबके लिए है, जिसमें से यूथ हैं जो ज़्यादा कनेक्ट इस वजह से कर लेती हैं क्योंकि पिक्चर यूथ के बारे में है। पिक्चर जो कबीर सिंह है, वो यूथ की पिक्चर है। जो रॉक स्टार थी, एक यंग सिंगर की पिक्चर थी। एक जब वी मेट है, तो एक यंग बिजनेसमैन की पिक्चर है। तो इस वजह से वो ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है। बहुत सारे सिंगर हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, मुझे बड़े अच्छे भी लगते हैं। जैसे अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गाते हैं कुछ गाने, और सुनिधि ने बहुत अच्छे गाए हैं, श्रेया ने बहुत अच्छे गाए हैं। जस्टिफिकेशन हो जाती है, क्योंकि वो भी उस वक्त, मुझे ऐसा लगता है, अरिजीत सिंह नहीं होता। वो भी वो करेक्टर होता है, वो भी उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो जो एक्सप्रेशन चाहिए
वो कहीं ना कहीं मिल जाता है। जैसे मोहित चौहान, नहीं लगता कि ये मोहित चौहान गा रहा है, लग रहा है कि ये जॉर्डन ही गा रहा होगा जिस तरह से उसने गाया है। भले वो वॉइस के क्रैक्स हों, भले वो ग्रेन्स जो गले में आए हुए हैं वो हों, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मोहित चौहान है, कोई सिंगर गा रहा है, लगता है कि ये रणवीर कपूर है, रणवीर कपूर जॉर्डन है। तो ऐसे एक बहुत ही अच्छा, अच्छी खेप है, एक अच्छा तबका है अच्छे सिंगरों का। पहले ज़माने में सब कहते हैं कि ओल्ड जो सॉन्ग हैं उनको, नए सॉन्ग्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पुराने सॉन्ग्स जो हैं वो बरकरार रहते हैं। आज भी हम भी, बच्चे भी जो पुराने गाने सुनते हैं, मेरी बेटी भी पुराने गाने सुनती है तो बोलती है कितना अच्छा लिखा हुआ है। तो आप में वो खुशबू आ रही है, तो क्या ऐसा है कि आप पुराना एरा वापस ला रहे हैं या कुछ डिफरेंस है? जी देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये कि पुरानी ईरा मैं नहीं वापस ला सकता और कोई भी नहीं ला सकता, लेकिन मैं एक नई ईरा ज़रूर ईजाद कर सकता हूँ जो शायद पुरानी ईरा से कम बेहतर हो या ज़्यादा बेहतर हो, वो मुझे भी नहीं पता। अब सवाल आपका, जो कि बहुत जायज़ सवाल है, कि पुराने गाने क्यों हमारे याद रह जाते हैं या नए गाने क्यों नहीं याद होते, मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ और अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात कही थी कि पुराने भी सिर्फ 100-150 गाने ही हैं जो आपको याद हैं। आप कभी इत्मीनान से 1-2 घंटे निकाल के लिस्ट बनाना, आप 50 से ज़्यादा गाने नहीं लिस्ट बना पाओगे पुराने गानों की। रेडियो भी 100-150 से ज़्यादा गाने नहीं चलाता है, वही गाने बार बार चलाया जाता है वो। अब ये जो 150-200 गाने हैं, 80 साल से 1933 में पहली बोलती पिक्चर आ गई थी, तब से अब तक हर पुरानी तो हर पिक्चर में 10-10, 12-12, 15-15 गाने थे, तो क्या सिर्फ ये 200 गाने ही हैं जो लिखे गए होंगे? नहीं, वक्त की छन्नी ने अच्छे अच्छे हीरे छान के आप तक पहुंचा दिए जिसकी चमक जा नहीं रही है। आज के संगीत को, आज के गीतों को थोड़ा वक्त दीजिए, वो वक्त की छन्नी इसमें से भी हीरे छांटेगी। और आप यकीन मानिए, 15 साल के बाद जब हमारे छोटे भाई बहन बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे पुराने गाने अच्छे थे यार, 2010 में जो लिखा गया था वो बड़ा अच्छा था, आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, वो 2011 में जो रॉक स्टार आई थी बड़े अच्छे गाने थे उसके, ये कहेंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये बात। सिर्फ ये है कि वक्त दे दीजिए थोड़ा सा। हम क्या है कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, हम सुनते हैं एक गाना, अभी हमने पूरा सुना नहीं होता, दूसरा स्टेशन पर बदलते हैं चलती हुई गाड़ी में तो दूसरा गाना चल रहा होता है। इन्फॉर्मेशन वो अच्छे और बुरे की हमारे पास टिक नहीं, अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, और वक्त की छन्नी अच्छे हीरे अभी छांट नहीं पाई है, वो छांटेगी अभी आने वाले 10-15 साल। मैंने जितने भी आपके गाने सुने हैं उसमें, जैसा इन्होंने बोला कि पुराने लफ्ज़ों का मिश्रण जो है ज़्यादा है और लोग भूल नहीं पाते हैं, और जैसा कि आपने बोला कि आलसी लोग बहुत ज़्यादा हैं, रिमोट का ज़माना है तो लोग उठ के जो है चैनल नहीं चेंज कर पाते हैं, तो इसलिए गाना ज़्यादा दिन तक तो टिक नहीं पाता है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है कि जैसे कि मोहम्मद रफ़ी के जितने भी हैं वो भजन ज़्यादा फेमस हुए हैं और उनसे अच्छा कोई गा नहीं पाया भजन के मामले में, उर्दू ज़बान को लोगों तक जैसे पहचाना जाए और सुनाया जाए, समझाया जाए, अगर उर्दू ज़बान समझ में आए तो लोगों को गाने अच्छे लगेंगे, लेकिन ये उर्दू ज़बान समझाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? जो कि हिंदी का जो मिश्रण है और वो इसमें लिरिक्स जो है, जो आपने बोला कि पहले बन जाती है, तो उसके ज़रिए से लोगों को गाना समझ में आता है, लेकिन उर्दू ज़बान की मीनिंग अगर समझ में आए लोगों को तो गाने और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ सब सहमत हूँ, और उर्दू ज़बान को बढ़ाने के लिए मैं क्या कदम उठाऊँगा, बड़ा अच्छा सवाल है इनका, और मैंने कदम उठा लिया है। मेरा 8 साल का बच्चा हिंदी लिटरेचर पढ़ रहा है, बस यही कदम उठा सकता था मैं। हम ही तो वो कौम हैं जिन्होंने अपने बच्चों के पब्लिक स्कूलों में दाखिल होने पर लड्डू बाँटे हैं, नहीं बाँटे? आप बताइए, आज अगर हम हिंदी और उर्दू को लेके परेशान हो रहे हैं तो हम ही वो कौम है ना जिन्होंने पब्लिक स्कूलों पे, मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में जाता है, लीजिए उसकी एडमिशन हो गई, लड्डू खाइए। तो ये तो उसका सिला है मेरे भाई।
ये तो हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं कि हमारे बच्चे को चार हिंदी के सही सेंटेंस बोलने नहीं आते, उर्दू ज़ुबान की अलिब से लेके बे तक उसको नहीं पता है। ये हमारी गलती है। हमें अभी थोड़ी देर पहले मैं कह के हटाऊं कि अगर इंग्लिश के दो सेंटेंस ना बोले जाएं तो सामने आपको पढ़ा लिखा नहीं समझता। तो उर्दू जबान या हिंदी जबान पहले तो हमें अपने घर में कल्चर में आम करनी पड़ेगी, उसके बाद हम किसी जगह पे मुकाम पे पहुंचेंगे। और दूसरी बात ये है, जो मेरा एक और दूसरा एक्सपीरियंस भी रहा है, कि जब कोई चीज़ अच्छी लग जाती है ना आसिफ भाई किसी को सुनते हुए, तो लोग, ये बच्चे बैठे हुए हैं आज तक के, ये पार्थ बैठा हुआ है, तेजस्वी बैठी हुआ है, ये लोग ये गूगल कर लेते हैं इस आज की डेट में। आप यकीन मानिए इन्हीं बच्चों ने कुन फयाकुन, जो मैं कहता हूँ 90% लोगों को नहीं पता होगा कि कुन फयाकुन का मतलब क्या है, उन्होंने गूगल करके उन्होंने देखा कि अरे ये बात क्या है यार, कुन फयाकुन की कहानी क्या है, ये बोला क्या गया है। मैंने वो बहुत पहले एक गाना लिखा था, ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, उसमें नीम हुए एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था। तो नीम हुए वर्ड लोगों ने ढूंढा कि नीम हुए का मतलब क्या है। अभी एक मेरा गाना आया था मेरे नाम तू, जीरो फिल्म का, जब तक जहां में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू, उसमें मैंने इल्हाम वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो इल्हाम लोगों ने ढूंढा कि ये इल्हाम का मतलब क्या है यार इसका। तो अगर कोई चीज़ अच्छी लग जाती है और उनको हल्के से ऐसे परोसा जाए कि उनको ऐसा ना लगे ये हमें पढ़ाना चाहता है या हमें बताना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, किसी से अक्लमंद नहीं हूँ मैं, जैसा कि मैंने कहा सब मेरे से ज़्यादा अक्लमंद है, तो वो चीज़ों को ग्रास्प ईजीली कर लेते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उर्दू छोड़ते भी जाएं या थोड़ी थोड़ी उसके बारे में बात करते जाएं, तो बिल्कुल सही बात है, आज मुश्किल ज़रूर है भारी उर्दू या हिंदी समझनी, वो हिंदी के साथ भी वैसा ही है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा आप समझाया जाए तो समझ में आ जाती है बात, और जो ना समझ में आए उसके लिए फिर वो गूगल देवी तो है ही हैं। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए और सारी बहारों पे छा गए। इरशाद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी एक आम सी शाम को बेहद खास कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और ढेरों शुभकामनाएं। जी बहुत शुक्रिया, आप जैसे जहीन लोगों का, आप बहुत ही कमाल की ऑडियंस रहे और बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस इत्मीनान के साथ आपके साथ, जिस अपनेपन के साथ आपसे बातचीत हुई, ऐसा बहुत कम होता है। असल में शाम आपकी नहीं मेरी खूबसूरत हो गई है इस जोधपुर में। बहुत शुक्रिया आप सबका। भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर, ए मजमा ए खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है। इरशाद जी आपसे बातचीत करके हम सब अभिभूत हुए हैं, आपके लेखन के रोमांचक सफ़र से प्रभावित और प्रेरित मन कई गीत गुनगुना रहा है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब मैं गुजारिश करूंगी सीमा जी से, एडिशनल एसपी, आके मंच पर पधारकर इरशाद कामिल साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद इरशाद जी। अब आपसे अनुरोध है कि आज की महफिल के दो बेहतरीन सवाल पूछने वालों को हमारे कलम के बुकमार्क्स भेंट करें। आज सूर्यनगरी की शाम को यादगार बनाने में आप सभी का भरपूर सहयोग रहा है।
आप सभी ने यहाँ आकर हमारे मेहमान को उस अपनायत का एहसास कराया जिसके लिए हमारा शहर जोधपुर जाना जाता है। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। शुक्रिया प्रभा कैतान फाउंडेशन, श्री सीमेंट और ताज हरी महल के आयोजकों का जिन्होंने इस शाम को मुकम्मल बनाया। शुक्रिया मीडिया का जिन्होंने इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने में अपनी ओर से भरपूर सहयोग दिया। शुक्रिया आईक्राफ्ट होम डेकोर का जिन्होंने स्मृति चिन्ह उपलब्ध कराए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काली औरत का ख्वाब श्री इरशाद कामिल की कलम का एक खजाना है। अब आप सबसे अनुरोध है अपनी हस्ताक्षर की हुई प्रति कामिल जी से आप प्राप्त करें। किताबें वहाँ रखी हैं, आप एक एक करके पधारें और कामिल जी के हस्ताक्षर लें आपके लिए।